हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? उसके फाइनेंशियल हेल्थ को जानना, और वो पॉसिबल है बाय एनालाइजिंग कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हाउसवाइफ से लेके स्टूडेंट्स तक और वर्किंग प्रोफेशनल से लेके एक्टिवली वर्क लाइफ से रिटायर्ड हुए लोगों तक हम ले आ रहे हैं ये वीडियो सीरीज, जहाँ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना सीखेंगे। ये एक प्योरली एजुकेशन इनिशिएटिव है, ताकि आप एज एन इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को असेस करके उसके फाइनेंशियल हेल्थ को जानकर फिर ही इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते कौन कौन से हैं जिसे हमें स्टडी करने सीखना है। एक है रेवेन्यू स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। सेकेंड है हमारा बैलेंस शीट या फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। और तीसरा आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्रैक्टिकल वन, इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक्चुअल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जो कंपनी में होता है उसे दिखाता है। तो शुरुआत करेंगे हमारा रेवेन्यू स्टेटमेंट से और जानेंगे टॉप लाइन से बॉटम लाइन तक ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू स्टेटमेंट। टॉप लाइन है तो बात यहाँ पे सेल्स की हो रही है। सही समझा आपने। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी रेवेन्यू स्टेटमेंट, दैट इज सेल्स या रेवेन्यू। सो अपकमिंग वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे, और वो भी इंडस्ट्री एग्जाम्पल के साथ। सो डोंट मिस द अपकमिंग वीडियो। कौन सा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट आपके लिए डिफिकल्ट लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। वी विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।